हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज एक बढ़िया चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो ये जो बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं, ये कंपनी है चेस्टोन प्रोफेशनल टूल्स। तो इसके अंदर है एक प्रेशर वाशर, हाई प्रेशर वाशर, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, इस कंपनी का नहीं, बॉस का। तो ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके का प्रेशर वाशर है। वो अलग कंपनी है तो अलग टाइप का होगा, मॉडल अलग है, जो तामझाम उसके साथ आता है वो सब अलग है। और ये वाला जो रिसेंटली मार्केट में जो चल रहा है, JPT या स्टार क्यू या AMAX या पावर, जो पावर टफ करके एक कंपनी है, बहुत ही कम प्राइसेस में वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसके जैसा ही ये चेस्टन कंपनी का एक प्रोडक्ट है। ये बहुत ही हैवी ड्यूटी, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो मैं बहुत सारा रिव्यू देख के इसे परचेस किया हूँ। तो ये है इसका बॉक्स पैक, आप देख सकते हैं। बॉक्स के ऊपर ज़्यादातर कुछ नहीं लिखा है, इस तरफ भी ये जो सेम चीज़, ऊपर भी ये सेम चीज़, बहुत ही भारी है। मैं पीछे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो सेम ही चीज़ है, दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इस तरफ। और चलिए दिखा ही देता हूँ एक बार। तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं, वही सेम चेस्टोन जो डीलर इसे बेच रहा है, तो उन लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, तो उसके हिसाब से इसका वोल्टेज 230 वोल्ट है एज यूजुअल। और इसका जो वाटेज है वो 1800 वाट का मोटर है। और इसका प्रेशर वगैरह यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे प्राइस इसका 14,999 इसका प्राइस लिखा है। लेकिन एक्चुअली ये लगभग आपको 5,500 से 6,000 के अंदर ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसे पहले एक बार खोल के देख लेते हैं। और प्रेशर की अगर आप पूछे कि इसका प्रेशर कितने बार का आएगा, तो लगभग 1800 वाट का मोटर है, लगभग 80 to 120 बार के अंदर इसका प्रेशर रहता है। और ये छोटा वाला गन के साथ आता है, तो मतलब बढ़िया ही प्रेशर इसका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी इसको आपको चला के भी दिखाऊंगा कैसे इसको चलाना है। तो चलिए जल्दी से इसे एक बार खोल के दिखा देते हैं कि इसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि इसके साथ तो सिर्फ मोटर होने से नहीं चलेगा, इसके साथ जितना भी अटैचमेंट चाहिए वो सभी आपको लगेगा। तो देख लेते हैं कंपनी क्या दिया है। तो इसके ऊपर कोई प्रॉपर सील नहीं था, सिर्फ खुला ही था, तो मैं एक बार खुल के आपको दिखा देता हूँ। तो बॉक्स खुलते ही ऊपर में आपको एक इस तरीके का जो आउटलेट पाइप है, इसे कहते हैं आउटलेट पाइप। तो ये लगभग सभी जो कंपनी इस प्राइस रेंज पे दे रहा है, JPT या स्टार क्यू, ये सभी 8 मीटर का पाइप दे रहा है। तो देख के लग रहा है वही 8 मीटर का पाइप ही होगा, और पाइप बहुत ही भारी और अच्छा क्वालिटी का है। ऊपर हाइड्रोलिक लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक होस, तो ये होस पाइप है हाइड्रोलिक वाला, मतलब ये बहुत ही बढ़िया है। और कई सारे कंपनी आप देख सकते हैं कि व्हाइट पाइप दे रहा है, वो उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं होगा, ये वाला क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगा। तो रख देते हैं इसे। इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा, इसके साथ एक इनलेट पाइप दिया हुआ है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का पाइप है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलेंगे, ख़राब भी नहीं बोलेंगे। और लगभग कितना होगा, 2 मीटर, मैक्सिमम 2 मीटर होगा इसका लेंथ। तो ये पाइप आपका जो जहाँ से पाइप पानी आएगा तो वहाँ पर लग जाएगा, इनलेट पाइप है। तो ये मशीन के अंदर रहेगा, यहाँ पर एक टॉप दिया गया है, ये मशीन के साथ फिट हो जाएगा। और इसके साथ ये एक अटैचमेंट कंपनी ने दिया है, इसे कहते हैं टैप कनेक्टर। तो ये लग जाएगा पाइप के इस तरफ, तो ये हो गया टैप, मतलब ये आप टैप में लगा सकते हैं और ये लग जाएगा मशीन के अंदर। तो चलिए इसे अभी साइड कर देते हैं। और इसके साथ यहाँ पे एक मिल जाएगा आपका फिल्टर, ये है इनलेट फिल्टर, मतलब जो पाइप लगेगा यहाँ पे, पानी जो अंदर जाता है यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है, ताकि कोई मैल मिट्टी आपके मशीन के अंदर ना आ जाए, तो ये फिल्टर उसके लिए दिया गया है, बढ़िया चीज़ है। उसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है एक फोम कैनन। तो कंपनी ने ये जो फोम कैनन है ये दिया है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का नहीं है, आप अलग से दूसरा जो ब्रास मेटल का आता है एक फोम कैनन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, वो खरीद लीजिए, 1200-1300 रुपये का आता है, वो बहुत ही बढ़िया होगा। ये मतलब बच्चों के खिलौने जैसा है, कुछ नहीं होगा इससे, फोम बना ही नहीं सकता ये, क्योंकि इसका जो छेद है आपको एक बार दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसके अंदर एक जो छेद है यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये आर पार दिख रहा है, तो इसके अंदर जो छेद है, तो इस छेद में कोई भी फिल्टर या तार जाली वगैरह कुछ नहीं है, तो फोम बनाएगा कौन, नीचे से शैम्पू पानी ऊपर उठेगा और डायरेक्ट निकल जाएगा, मतलब फोम कोई बनाने के लिए यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल एक बच्चों के खिलौने की तरह है, ये आप इस्तेमाल मत कीजिए। मैंने ऑलरेडी एक परचेस किया है जिसका वीडियो तो मैंने अब तक नहीं बनाया है, तो अगर आप बोले तो इसका भी वीडियो बना दूंगा,
तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसे परचेस कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होगा। तो इसे रख देते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपका, ये देखिए, ये है इसका गन जिससे पानी आपका, ये लॉक है तो इसको लॉक को हटा देते हैं। तो ये है गन, नीचे की तरफ ब्रास मेटल दिया हुआ है, यहाँ भी ब्रास मेटल का सेटअप है और ये एडजस्टेबल है, मतलब इस एडजस्ट को करके आप अपने अकॉर्डिंग इसका जो वाटर का जो फ्लो है और जो फ्लो का जो डायरेक्शन है, पॉइंट लेंगे या थोड़ा सा फैला हुआ लेंगे, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये है प्रेशर रिलीज करने का जो ट्रिगर होता है, ये वाला ट्रिगर है। तो ये गन बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है कंपनी ने, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, और मैक्सिमम ये 300 बार तक सपोर्ट करता है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। बाद में अगर कोई आप मशीन अपग्रेड करें तो उसके साथ भी ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर एक दिया हुआ है पिन, जो इसका जो गन है, गन के अंदर जो छेद है तो वो नोज़ल क्लीन करने के लिए ये काम में आएगा, एक पिन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा ऊपर वाले इस सेक्शन में और कुछ नहीं है, इसे हटा देते हैं। और नीचे आपको मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल, जिसे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ दिया हुआ है और क्या क्या इसका जो इसमें एक पिक्चर दिया हुआ है, ये बहुत एक मुझे लगता है काम की चीज़ है। एक पिक्चर जो है इसमें जितना भी इसके अंदर आइटम्स है, मतलब स्पेयर पार्ट्स जितना भी है इस मशीन के अंदर, वो उसका सभी नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कितना आइटम्स यूज़ होता है इस मशीन में, वो सभी नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ये बहुत ही एक काम की चीज़ कंपनी ने दिया है। और निकाल लेते हैं फाइनली हमारा, बापड़े बहुत भारी है, इसे यहाँ से दिखाते हैं आपको। तो ये है हमारा मोटर, पर्पल कलर का मैंने लिया है और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो प्रेशर गेज का मीटर है वो ऊपर दिया हुआ है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ से हवा अंदर जाएगा, ये वेंट है और ये आप सुन सकते हैं आवाज़, ये मेटल का दिया हुआ है। और इस तरफ एक बटन है छोटा सा, ये रीसेट बटन है, मतलब अगर मोटर को कुछ मोटर अटक जाए या वोल्टेज का कुछ फ्लैक्चुएशन हो तो ये रीसेट बटन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और मोटर कट हो जाएगा। और इस तरफ जो ये जो है, यहाँ से देख सकते हैं ये आपका इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप लग जाएगा यहाँ पर, यहाँ से पानी अंदर जाएगा और बाप रे बाप पकड़ने में इतना दिक्कत हो रहा है। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये आपका आउटलेट है, इस तरफ आपका पानी बाहर जाएगा। और ये है पावर ऑन ऑफ का बटन और ऊपर तो हैंडल है। तो यही था, जल्दी से रख देता हूँ, बहुत ही भारी है। तो मैंने मशीन को यहाँ पर रख दिया है और कैमरे को भी हाथ में पकड़ लिया है, बहुत ही भारी लग रहा था। तो 1800 वाट का मोटर है और कंपनी बोलता है कि ये कॉपर वाइंडिंग है, पता नहीं कॉपर वाइंडिंग होगा या एलुमिनियम वाइंडिंग, तो अंदर खोल के तो नहीं देखा तो ये कह नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ रेपुटेड कंपनी आपको कॉपर वाइंडिंग ही दे रहा है, तो आप ख़रीदने से पहले थोड़ा सा चेक कर लें। और ये है इसका जो पंप सेक्शन है, हाई प्रेशर पंप सेक्शन, और ये ऊपर इसका जो प्रेशर गेज है, यहाँ से कितना बार का प्रेशर दे रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये हैंडल है, ये पावर का केबल है, ये ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया है ताकि पानी अंदर ना जाए। तो क्वालिटी वाइज मैंने देखा कि ये बहुत ही बढ़िया है, और कुछ कुछ कंपनी पीछे ये प्लास्टिक दे रहा था लेकिन ये नीचे आपको मेटल दे रहा है, और ये वाला हाउसिंग जो आपका है वो प्लास्टिक ही है। तो चलिए अभी इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मोटर लेके आ गया हूँ और यहाँ पे बोर्ड मैंने ले लिया है, तो चलिए जल्दी से इसे कर देते हैं असेंबल। ये है मेरा पाइप, तो मैंने कंपनी जो मोटर के साथ जो पाइप दिया है वो पाइप मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उस पाइप जैसे मैं टैप से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बकेट से पानी लूँगा तो इसलिए मैं ये बॉश वाला ही यूज़ कर रहा हूँ। इसके ऊपर एक फुट वाल्व यूज़ होता है जो पानी को दोबारा से बकेट के अंदर नहीं जाने देता है, तो ये बहुत ही काम का चीज़ है, तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो वाटर फिल्टर है इसको इस तरफ लगा लेते हैं, इसके साथ में एक वजन अटका दे रहा हूं ताकि ये पानी के अंदर चला जाए बिल्कुल, तो ये बिल्कुल पानी के अंदर चला गया। अब मैं इस पाइप में पूरा पानी भर लेता हूं,
ताकि मोटर को पाइप पानी खींचने में आसानी हो। तो मैंने अभी इनलेट पाइप को कनेक्ट कर दिया और अभी आउटलेट पाइप को भी कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे आप थोड़ा सा पीछे रखिए, इसको अंदर तक घुसा दीजिए, यहाँ पे आकर लॉक हो जाएगा ये इस तरफ, फिर इसको लगा दीजिए। अच्छी तरीके से टाइट कर दीजिए, दोनों तरह के टाइट होना चाहिए। तो चलिए ये है गन, अब गन को लगा लेते हैं। और बाथरूम का हालत देखिए, मैंने गंदा ही करके रखा है, इस प्रेशर वाशर से क्लीन करूंगा, इसलिए बहुत दिनों से साफ नहीं किया जब से ये खरीदा है, और ये मेरे पास भरा हुआ है बहुत दिन में, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। तो ये है इस तरीके से, जैसे मशीन में लगाया वैसे ही यहाँ पे पीछे से टाल देना होता है पूरा, ये इतना अंदर चला जाएगा, फिर ये आप दबा के लगा दो, पूरा टाइट करो। और ये ऊपर वाला पूरा बाएं तरफ अगर घुमा दोगे तो पूरा ये खुल जाएगा, तो पानी जब तक ये मतलब रिलीज होता है पाइप की तरफ, तो तब तक इसे खोल कर रखना पड़ता है, नहीं तो प्रेशर ठीक से नहीं बनेगा और मोटर के ऊपर प्रेशर हो जाएगा। तो चलिए अभी मोटर ऑन कर लेते हैं। तो देखिए मोटर पानी को अभी खींचेगा, तो देखिए यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है इसमें से, तो जैसे मैं छोड़ दूंगा ये देखिए मोटर बंद हो गया, मतलब ये प्रेशर ले लिया। तो अब इसे मैं लगा देता हूं। इसे लगा के पूरा टाइट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इसका प्रेशर काफी जबरदस्त प्रेशर है, तो आप देख सकते हैं पूरा बाथरूम कैसे क्लीन कर दिया। मैं इस तरफ से मारने की कोशिश कर रहा हूं इस जगह पे, पानी एकदम, आप देखिए यहाँ पे कितना मैला मैला हो रखा है दीवार पे, देखिए दीवार पे ये देखिए इस एरिया को, कितने दिनों से ये एरिया पे मैला लगा हुआ था, ये पूरा क्लीन कर दिया। अब देखिए उस तरफ देखिए, तो आप देख सकते हैं प्रेशर इसका जबरदस्त प्रेशर है, और अपने अकॉर्डिंग जो भी पैटर्न चाहे कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, अगर है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में दिया हुआ जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब मैं ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं और एक नए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग गैजेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।